नमस्कार, वीएमए भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। बुलेटिन से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। जयपुर में दो दिवसीय रिलाइफ इंजीनियर साइनॉड इंटरनेशनल फिजियो कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। फिजियोथेरेपी की नई चिकित्सा तकनीक के बारे में की गई चर्चा। संगवाड़ा में सेल्फ डिफेंस सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन। छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुर। डोंगरगढ़ में निर्वाचन अधिकारी ने ली प्रत्याशियों की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर स्थित एसएमएस ऑडिटोरियम में दो दिवसीय रिलाइफ इंजीनियर साइनॉड इंटरनेशनल फिजियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश के लगभग 1000 फिजियो ने भाग लिया। वहीं आयोजित कॉन्फ्रेंस में फिजियोथेरेपी की नई चिकित्सा तकनीक के बारे में भी चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस के संयोजक विकास माथुर ने बताया कि नी पेन, बैक पेन और न्यूरो पेन के पेशेंट बढ़ रहे हैं। ऐसे में नई तकनीक के माध्यम से कैसे जल्द राहत दी जा सके, उस पर यूएस, इंग्लैंड और इटली से आए विशेषज्ञ ने अपनी राय रखी, जिससे युवा फिजियोथेरेपिस्ट को नई तकनीक की जानकारी भी मिल सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर चिराग वर्मा, डायरेक्टर अकेडमी ऑफ एक्सरसाइज एंड थेरेपी। आज हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये होने जा रहा है, हिंदुस्तान के इतिहास में राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर हम लोग फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में डेलीगेट्स आए हैं। 60% हमारे बाहर से आए हैं, ओमान से, लंदन से, यूके से, दुबई से। और जो ये होने जा रहा है, नई नई टेक्निक्स जो फिजियोथेरेपी के अंदर आ रही हैं, उस चीज़ के लिए हम लोग बाहर से जो नई टेक्निक्स आ रही है, अपने हिंदुस्तान के फिजियोथेरेपिस्ट को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं क्या रिसेंट एडवांसमेंट आई है। ये रिसेंट एडवांसमेंट के थ्रू ही हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हमारे हिंदुस्तान की जनता का, हमारे हिंदुस्तान के लोगों का इलाज कर सकते हैं। इस पद्धति के थ्रू, नई पद्धतियों के थ्रू इलाज करके उनको ठीक कर सकते हैं। तो एक हम एक नए कार्य कर रहे हैं, इसके लिए रिलाइफ इंजीनियर सेंटर 2019 हो गया, रिलाइफ हॉस्पिटल जो एचपीओटी जयपुर में है, अकेडमी ऑफ एक्सरसाइज हेल्थ एंड थेरेपी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोर्सेज करा चुकी है 50 से ज़्यादा, वो ऑपरेटर्स अकेडमी जयपुर के अंदर सब लोग मिल के एक इवेंट का ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। बहुत बढ़िया इवेंट होने जा रहा है। इसके अंदर चीफ गेस्ट हमारे राजस्थान के चौथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, महेश जोशी जी, सब अतिथि हमारे घर पर। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर चिराग वर्मा, डायरेक्टर में अकेडमी सक्सेस। ठीक, आप आज जो ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है री लाइफ के नाम से, ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है इस तरीके की जो जयपुर में की जा रही है, और मैंने तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंस आज तक अटेंड करी। जब मैं पहली बार भी इस कॉन्फ्रेंस में आया था तो मुझे लगा कि जो डॉक्टर अवतार हैं और उनकी जो टीम है वो एक अनोखा ही काम कर रहे हैं, और अलग ही तरीके से जो है कॉन्फ्रेंस करने का इनका जो है मैंने देखा कि अनुभव बना, और ये हर कॉन्फ्रेंस को जो है इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं, और बहुत कम से कम पैसों में ये काम कर रहे हैं। पहली कॉन्फ्रेंस की सिर्फ 500 रुपये लिए थे और दो दिन की कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैं अचंभे में था कि इतने कम पैसों में कैसे कर लिए इन्होंने। पहली बात तो ये है, क्योंकि इनकी लगन है, इनकी टीम की सोच है कि हमने इस तरीके से जो है अपने भौतिक चिकित्सकों का जो है उत्थान करना है, लोगों में अवेयरनेस लानी है, और आज उसी कड़ी में ये जो तीसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है, यहाँ लगभग 500 से ऊपर जो है विद्यार्थी और क्लिनिशियंस जो प्रैक्टिस में हैं, सीनियर्स और कुछ ऑर्थोपेडिशियंस, कुछ स्पेशल। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह गत शनिवार को रंगायन सभागार में संगीत गुरु डॉक्टर संगीता पंडित और डॉक्टर चेतना बनावत ने शास्त्रीय गायन की सुमधुर प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। कार्यक्रम में बनारस घराने की वरिष्ठ कलाकार संगीता पंडित ने उप शास्त्रीय संगीत की विभिन्न शैलियों में सुर, लय और ताल की खूबसूरती बानगी के साथ रसीला प्रदर्शन किया। संगीत समारोह के अंतिम दिन यानी कि आज अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन और प्लेबैक सिंगर सारिका सिंह प्रस्तुतियां देंगी। संगवाड़ा के फुलवारी वाटिका में एच केसरमल ज्वेलर्स और शाह हीरालाल केसरमल सराफ की ओर से सेल्फ डिफेंस सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए, और वहीं छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों से कैसे निकलना है और बदमाशों से कैसे निपटना है इसकी भी तकनीकी बताई गई। इस अवसर पर DSP निरंजन चारण, सांगवाड़ा थाना अधिकारी दिलीप दान, नरेंद्र शाह, पवन गोवाड़िया, प्रदीप जोशी आदि लोग इस मौके पर मौजूद रहे।
डोंगरगढ़ में आगामी 24 दिसंबर को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर आज निर्वाचन अधिकारी अविनाश भोई ने सभी प्रत्याशियों की बैठक आयोजित की, जिसमें निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और वहीं उन्होंने प्रत्याशियों को बताया कि किस किस तरह से मतपत्रों की गिनती होगी और कितने एजेंट आपके होंगे। वहीं शाहपुरा कस्बे के खोरी ग्राम पंचायत के आमजन को सरपंच रेखा कुमावत के प्रयासों से बंदरों के आतंक से आखिरकार मुक्ति मिल ही गई। आपको बता दें, गत शनिवार शाम तक 57 बंदरों को पकड़कर सरिस्का में छोड़ दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता धर्मपाल यादव सुभाष कुमावत ने बताया कि पिछले कई सालों से खोरी में जोशी मोहल्ला, राजपूत मोहल्ला, गुल्ली मोहल्ले, मुसलमानों का मोहल्ले के लोग बंदरों के आतंक से खासा परेशान थे, जिन्हें अब रेखा कुमावत के द्वारा मुक्ति दिलाई गई है। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए वी एम आर भारत टीवी के साथ। नमस्कार।